अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं कि यार किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का ना हमें नंबर्स दें या उसकी कंपनी के बारे में बताएं। तो यार देखो, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अली भाई, जिनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है जुस्तजू का सफ़र, जिसपे अराउंड 160K सब्सक्राइबर हैं, मतलब 1,60,70,000 के करीब सब्सक्राइबर। उन्होंने कंपनी, जब हमारी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी तब वो अंडर प्रोसेस थी उनकी कंपनी, ठीक है, इसलिए वो आपको रिप्लाई वगैरह नहीं कर रहे थे। तो हमारी कल मुलाकात हुई, हमने वीडियोस वगैरह बनाई उस पर, वो आप उनके चैनल पे देख सकते हैं। तो अब उनकी कंपनी हो गई है जी कंप्लीट, तो उन्होंने कोटा वगैरह भी उनका आ गया है। अभी जो नंबर्स वगैरह हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उनका, आप उनसे काइंडली रब्ता करके अपना जो भी है सीन, जिस तरह का भी हुआ, जिस तरह उनका पैकेज है 12,500 का, तो आप उनसे बात करके अपना वीज़ा वगैरह और लाइसेंस का सब कुछ पूछ सकते हैं। बाकी मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है छोटा सा, जिसमें वो अपनी कंपनी के बारे में, और वो बताएंगे आपको कितने का वीज़ा है, अगर आप अपनी होम कंट्री में हैं तो इतने पैसे लगेंगे, अगर आप यूएई में ऑलरेडी हैं तो ये सीन है उन सब का, ठीक है। अब वो इंटरव्यू देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जो नंबर्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अब वहाँ से काइंडली चेक करके उनको व्हाट्सअप कर लें या कॉल कर लें, वो आप पे, ठीक है सर। ये इंटरव्यू देख लें आप जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक, दुआएं आपकी। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि यार किसी कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू करो, ताकि हमारे नॉलेज में आ सके कि वीज़ा कितने का है और लाइसेंस में कितना टाइम लगता है और लाइसेंस कितने का है। तो अपने माशाल्लाह कंपनी स्टार्ट की है, तो उस बारे में बता देंगे। जज्बा डिलीवरी सर्विस कंपनी है, जैसे लास्ट टाइम आपकी भी वीडियो में एक में मैंने बताया था कि शुरू कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गई है, कोटा वगैरह भी आ गया और उसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया। मैंने पहले भी बताया था, अभी बता देता हूँ कि मैं फुल पे लेता हूँ, यानी कि पैसे सारे लेता हूँ, जिसमें वीज़े के भी होते हैं और साथ अगर आप होम कंट्री से मेरे पास आ रहे हैं तो फिर आपका 12,500 दिरहम टोटल खर्चा ले रहा हूँ मैं, जिसमें आपका वीज़े की फ़ीस है, वर्क वीज़े की 2 साल की, डिलीवरी सर्विस की, उसके बाद लाइसेंस की फ़ीस है, और 2 माह की अकोमोडेशन देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, ये सारे पैसे आपके ऊपर ही लगनी है। फुल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरी नई कंपनी है, मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा मैं किसी को बिठाना नहीं चाहता। यहाँ पे कुछ सिलसिला ऐसा भी है कि वीज़ा दे दिया, 4-6 महीने बंदा बैठा ही रहता है, फिर वो खैर वो एक प्रॉब्लम होती है, देखा है मैंने, बहुत ज़्यादा सर्च की है। इसलिए जो बंदा फुल पैसे लगेगा उसका फुल काम होगा और अर्जेंट काम होगा, ऐसे नहीं होगा कि वो कंपनी रूम में बैठा है और उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है, नहीं। इसलिए मैंने ये सारा, इसलिए दोस्तों मैंने ये खुद कंपनी भी बनाई है और ये सिलसिला शुरू किया है कि मुझे बंदे इतने खेप में तो चाहिए नहीं है, नई कंपनी है, थोड़े चाहिए, तो इसलिए थोड़े हों लेकिन सुथरे हों, तो लिहाजा मैंने जो सिलसिला शुरू किया है उस पर इंशाल्लाह ताला ना तो टाइम वेस्ट होगा, ना ही आप लोग 6-6 महीने रूम में बैठेंगे, जैसे ही आएंगे अगला प्रोसेस होगा एमरस आईडी तक का, एमरस आईडी के फौरन बाद साथ ही लगते आता आपका जो है ना लाइसेंस का प्रोसेस होगा, और प्रोसेस में भी डिले नहीं होगी, रेगुलर क्लासेस होंगी और साथ ही आपकी जो फाइनल ट्राई होगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला काबिल ही होंगे आप, तो पास भी करेंगे। अच्छा, तो ये इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, जो भी हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री हो, नो प्रॉब्लम। सही सही। अच्छा, मैंने ना एक बार जोन डिलीवरी सर्विस मेरा चक्कर लगा था, वो कह रहे थे कि हम आपसे लेंगे 11,000 दिरहम, लेकिन उसमें वो आपको एमरस आईडी टाइप जो होता है, ठीक है, आई टेस्ट का, वो कह रहे थे सारा इंश्योरेंस का, वो सारा खर्चा आपने पे करना है, मतलब ड्राइवर पे करेगा, तो आप वो इसका क्या सीन है आपका? जो इंश्योरेंस है वो शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, इंश्योरेंस जो है वो बंदा खुद पे करेगा, और आई टेस्ट वगैरह वो आप करवाएं, सारा कुछ बीच में शामिल है। अच्छा, इंश्योरेंस का कितना खर्चा आ जाता है अंदाज़? इंश्योरेंस का यार अभी मैं कुछ खास नहीं बता सकता, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैंने 3-4 जगह से मुझे पता चला है, मैंने खुद अभी विजिट नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ जैसे ही कोई मेरा राइडर कम्प्लीट होगा उसका जब इंश्योरेंस का प्रोसेस आएगा तो साथ वो शेयर कर दूंगा। इतना ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, 1,000-1,500 के दरमियान में। अच्छा, मतलब 12,000 है और 12,000 एक ही पेमेंट में, 12,500 एक ही पेमेंट में लेंगे? नहीं, दो तीन शेड्यूल हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो 3,500 दिरहम पहले लेते हैं। अच्छा। जब आपको वीज़ा दे के, हम वीज़ा आपके पास पहुंच जाता है, आप प्रोटेक्टर करवाते हैं और अपना जो है टिकट वो आपने खुद लेना है, इसमें शामिल नहीं है, तो उसके बाद फिर जो 3,000 दिरहम आपने फिर पे करना है, जब आप दुबई पहुँच जाएँगे तो 6,000 दिरहम फिर देना है, इस तरह 3-4 है, इस तरह 3-4 में, मतलब सही सही। अच्छा, तो अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या सीन रहेगा, अगर कोई आता है फिक्स सैलरी लगाएंगे नहीं, या मैं जो है डिलीवर उसका 10.25 दिरहम, जैसे आप खुद डिलीवर होते हैं,
और जो नून का है वो तकरीबन उसने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना सिनेरियो, लेकिन वो 9.5 दिरहम तक चला जाता है एरिया के हिसाब से। 5 किलोमीटर में 6 रुपये है, 7 किलोमीटर चले जाते हैं 7 हो जाता है, 8 में चले, इस तरह करके ना। लेकिन ऑन बोर्ड उसका भी ना एवरेज निकाल के 9.1 दिरहम, 9.25 दिरहम, 9.5 दिरहम उसका बन जाता है। जो तलाबाद है वो 7.5 दिरहम दे रहे हैं। तो अभी नून और डिलीवरी के साथ तो हो गया है, इंशाल्लाह ताला तलाबाद में बीच में शामिल हो जाएगा। सही सही। अच्छा एक और चीज़, वो जो मतलब अगर कोई बंदा लेता है आपसे वीज़ा वगैरह, तो एयरपोर्ट से क्या सीन है, वो आप पिक करेंगे या खुद पिक कर लेंगे? बल्कि अगर वो चाहेंगे तो उनका व्लॉग भी बनाएंगे, साहब आ गए। अच्छा सही 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 सही। अच्छा और कुछ आप बताना चाहें अपनी कंपनी के बारे में, ऑफिस वगैरह कहाँ पे? जज्बा डिलीवरी सर्विस कंपनी है, ऑफिस इंशाल्लाह रीगा में या उसके आसपास ही कहीं, वेरी सून वो भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। 2-3 ऑफिस देखे हैं, उनमें से बस सिलेक्शन करनी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक अल्लाह ने चाहा तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब का जस्तजू का सफ़र, उसमें बकायदा उसका व्लॉग आ जाएगा कि यहाँ पे दफ्तर बन गया। तो बाकी जज्बा डिलीवरी सर्विस के नाम से मेरी कंपनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये नाम इंशाल्लाह जरूर जुबान पे इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह सही सही सही। अच्छा एक और चीज़ है कि जो यहाँ पे हैं दुबई में, वो आपसे वीज़ा लेना चाहें दुबई में, जो लेना चाहें तो 1,000 दिरहम उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होगा, क्योंकि वो विजिट पे आते हैं और उनका यहाँ इन आउट का जो गवर्नमेंट का जो फीस होती है वो तकरीबन 1,000 दिरहम के करीब है, तो वो भी उसी ने देनी है, हमने तो देनी नहीं है। और बाकी कम से कम उसका 1 महीने से ज़्यादा का विजिट वीज़ा कम से कम होना चाहिए, होना चाहिए रब्ता करें, और 13,500 दिरहम उसका खर्चा होगा। 13,500 सही। उसमें आप उसको खाना भी देंगे? खाना नहीं, रिहाइश, सिर्फ रिहाइश देंगे। अच्छा खाना उसका अपना, खाना अपना तकरीबन 250 दिरहम महीने का जो है ना मैस का खर्चा है, खुद ही पे करना है उसको। और उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब अगर वो आपके पास आता है, आप लाइसेंस वगैरह कहाँ पे ओपन? ट्रांसपोर्ट होगी वो, उसकी टेंशन नहीं, वो ट्रांसपोर्ट मिलेगी उसको। अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगी उसको। इसके अलावा और कुछ सर अगर आप? बस यही चीज़ें होती हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको भाईजान जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वीडियो डालते हैं, और ये सारी की सारी वीडियो जो है वो बाइक राइडर्स के हवाले से होती है। तो लिहाजा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। बाकी बहुत शुक्रिया आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया। अरे सर मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर।